Hey guys, welcome back to our new video. Realme UI 4.0 and ColorOS 13 इनके फीचर्स फर्स्ट लुक डिवाइस टेस्ट के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले वीडियो बना करके बता दिया था एंड उन सब वीडियोस के ऊपर आप लोगों का जो रिस्पांस था वो काफ़ी अच्छा रहा था। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme UI 3.0, ColorOS 13, OxygenOS 13 की ऑफिशियल सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट्स के बारे में, क्योंकि Realme एंड Oppo एंड OnePlus ने ऑफिशियल टेस्टिंग जो है नए UI की वो इंटरनली स्टार्ट कर दी है एंड इनकी सिस्टम एप्लीकेशन के जो अपडेट्स हैं वो भी देखने को मिल चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सिस्टम एप्लीकेशन के नए अपडेट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से फीचर आपको सिस्टम UI के अंदर देखने को मिले हैं सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट करने के बाद। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इस टाइप की वीडियो अगर आपको फ्यूचर में और चाहिए तो नीचे आपको लाकर का बटन देखने को मिलेगा, सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ बेल आइकन को आप लोग ऑल पे प्रेस कर सकते हो। इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, आई होप आप लोग कंप्लीट करवा दोगे। सो लेट्स बिगिन। अब दोस्तों बात की जाए फीचर्स के बारे में, बट उससे पहले आप लोगों को इतना कंफर्म कर दें कि कैसे आप लोग अपनी सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हो, कहां पर आपको सिस्टम एप्लीकेशन के अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको Realme सिस्टम एप्स अपडेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखने को मिलेगा, मेक श्योर आप लोग जाकर के इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आपको यहाँ पर डेली Realme एंड Oppo डिवाइस की जितनी भी ऑफिशियल सिस्टम एप्लीकेशन है इनके अपडेट सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। तो Realme UI 4.0, OxygenOS 13 एंड ColorOS 13 की जितनी भी ऑफिशियल सिस्टम एप्लीकेशन है वो यहाँ पर शेयर कर दी हैं। AOD, ऐप क्लोनर, ऐपस टाइम, ऐप एनहांसमेंट सर्विस, क्लॉक, कैमरा, बैटरी, कॉन्टैक्ट, आई कम्फर्ट, ड्राइविंग मोड, लॉक सीन मैगजीन, फाइल मैनेजर, म्यूजिक प्लेयर, फोन मैनेजर, स्क्रीन कास्ट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन शेयर, सब कुछ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप लोग जाकर के इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अब दोस्तों ये रही एप्लीकेशन। तो सबसे पहली एप्लीकेशन आपको देखने को मिलती है सिस्टम UI। सिंपली आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसको आप लोगों ने अपने डिवाइस के अंदर अपडेट कर लेना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा और जब तक इंस्टॉल होता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बट कुछ एप्लीकेशन हर एक डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन कुछ एप्लीकेशन जो है वो स्पेसिफिक डिवाइस के लिए है। तो देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन हमारे डिवाइस के अंदर इंस्टॉल नहीं हुई, तो हम इसको डन कर देते हैं। अगली एप्लीकेशन की बात करें वो रही ऐप एनहांसमेंट सर्विसेज। ये आपको गेम्स की सर्विस देखने को मिलती है, आपका गेमिंग एक्सपीरियंस जो था वो इससे थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, डन के ऊपर क्लिक कर दें। अगली एप्लीकेशन आपको देखने को मिलती है पेमेंट प्रोटेक्शन, इसको भी आप लोग अपडेट के ऊपर क्लिक कीजिए। जब तक अपडेट होगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सिंपली डन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको देखने को मिलता है स्मार्ट साइड बार, आप लोग जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे अपडेट कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये भी अपडेट हो जाएगी। आपके सामने अपडेट हो चुके हैं। अब देखते हैं इसके अंदर कौन से नए फीचर्स ऐड हुए हैं। सिंपली चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, आपने जाना है स्पेशल फीचर के सेक्शन में और आपको यहाँ पर स्मार्ट साइड बार देखने को मिल जाएगी। तो जो नया इंटरफेस है स्मार्ट साइड बार का Realme UI 4.0 ColorOS 13 का वो आपको देखने को मिल जाएगा। फीचर्स तो वही देखने को मिलते हैं और साथ में आप लोगों को जो वर्जन है वो न्यू देखने को मिल जाएगा 13.0.3 का, और इसमें जो फ्लोटिंग विंडो है उसको आप लोग हाइड भी कर सकते हो। साथ में इसमें आपको अलग से इसकी प्राइवेसी पॉलिसी एंड इसके जो ओपन सोर्स लाइसेंस है वो देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए अगली अपडेट्स के बारे में, तो अगली एप्लीकेशन आपको देखने को मिलती है सिस्टम लॉन्चर, बट ये अभी तक सिर्फ OxygenOS 13 का ही आया है तो हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। अगली एप्लीकेशन देखने को मिलती है AOD। सिंपली आप लोग जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे अपडेट कीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। इंस्टॉल हो चुकी है, डन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब चलते हैं देखते हैं कि AOD सेक्शन के अंदर कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ। ये रहा पर्सनलाइजेशन का सेक्शन, चलते हैं AOD सेक्शन में। यहाँ पर आप लोगों को जो नई AOD है वो देखने को मिल गई है, सिंपली आप लोगों ने ओके करना है एंड उसके बाद आप लोगों को सपोर्टेड ऐप्स जो है AOD की वो भी देखने को मिल जाएंगी एंड साथ में आप लोग इसको एनेबल या डिसेबल भी कर सकते हो, और किस किस ऐप्स में ये सपोर्ट करेगा ये सभी फीचर्स आप लोगों को AOD सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको नया फीचर देखने को मिलता है सीन इन्फो का। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, एनेबल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके स्मार्टफोन का AI जो है वो सीन्स के हिसाब से आप लोगों को AOD को एनेबल एंड डिसेबल करेगा, और साथ में टैक्सी एंड जो टेक अवे के इन्फॉर्मेशन है आपको वो आपकी AOD के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगी। वेल ये फीचर्स अभी तक सिर्फ चाइनीज डिवाइस के अंदर वर्क करता है, लेकिन इंडिया के अंदर ये अभी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। अगली एप्लीकेशन के अपडेट की बात करें तो वो रहा माई फाइल्स यानी कि फाइल मैनेजर। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये भी आपके डिवाइस में अपडेट हो जाएगा। सिंपली ओपन कीजिए और जैसे ओपन करोगे आप लोगों को
इंटरफेस जो है बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा, लेकिन नीचे जो फीचर्स हैं वो आप लोगों को नए देखने को मिलते हैं। फोन स्टोरेज, क्लाउड ड्राइव, प्राइवेट सेव, फेवरेट एंड रिसेंट लिटेड के ये जो फीचर्स हैं आपको इसमें नए देखने को मिलते हैं। प्राइवेट सेव एंड क्लाउड ड्राइव के ये जो दो नए फीचर्स हैं आपको इसके अंदर नए देखने को मिलेंगे। एंड इसकी सेटिंग को ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर कुछ नया ऐड हुआ है। तो आप लोगों को नया कुछ भी ऐड नहीं हुआ, लेकिन आपको जो वर्जन है 13.0.2 देखने को मिलेगा, और यहाँ से आप लोग आपके जो हिडन फाइल्स हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हो। अगली एप्लीकेशन के अपडेट की बात करें तो वो रहा फोन मैनेजर। वेल, जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे सिंपली आप लोगों ने इसको अपडेट करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये भी आपके डिवाइस में अपडेट हो जाएगा। सिंपली आप लोगों ने ओपन के ऊपर क्लिक करना है एंड ये ओपन हो जाएगा। आप लोगों को इंटरफेस बिल्कुल रियलमी यूआई 3.0 जैसा ही देखने को मिलेगा। क्लीन अप स्टोरेज, वायरस स्कैन, प्राइवेसी परमिशन, बैटरी, ये फीचर्स देखने को मिलते हैं। टूल का सेक्शन देखने को मिलेगा, इसके अंदर भी आप लोगों को वही सेम फीचर्स जो हैं वो जो पहले देखने को मिलते हैं वही देखने को मिलते हैं। लेकिन बात की जाए इसके फीचर्स या सेटिंग्स के बारे में तो आप लोगों को इसका जो वर्जन है वो भी देखने को मिलेगा 13.0.2। अलग से फोन मैनेजर की सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड इसमें आप लोगों को जो टूल का सेक्शन देखने को मिलता था वो आपको ऑन ऑफ करने का फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा। एंड वायरस स्कैन इंजन की बात करें तो आपको टेंसेट एंड AVL ही देखने को मिलता है। एंड इसके UI वर्जन की बात करें तो ऐप इन्फो के अंदर आपको वर्जन देखने को मिलता है 13.0.1, जो कि नया अपडेटेड आपको एंड्रॉयड 13 एंड रियलमी UI 4.0 का देखने को मिलता है। वेल दोस्तों, आपको रियलमी UI 4.0, ColorOS 13 एंड OxygenOS 13 की काफी सारी सिस्टम एप्लीकेशन के अपडेट देखने को मिले हैं, लेकिन मैं आपको मेन एप्लीकेशन के अपडेट्स के बारे में बताऊंगा। बाकी एप्लीकेशन के अपडेट जो हैं वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग जाकर के इसको ज्वाइन कर लें। वेल, बात की जाए अगली एप्लीकेशन के अपडेट्स के बारे में तो वो आपको देखने को मिलता है क्लॉक एप्लीकेशन का। सिंपली आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड अपडेट कर दीजिए, थोड़ा सा टाइम लेगा ये भी अपडेट हो जाएगी। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। सिंपली आप लोगों ने इसको ओपन करना है एंड ओपन करने का कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। नीचे जो फीचर्स हैं आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, अलार्म, वर्ल्ड क्लॉक, स्टॉपवॉच एंड टाइमर देखने को मिल जाएगा। एंड साथ में इसकी सेटिंग्स की बात की जाए तो आप लोगों को इसका वर्जन भी देखने को मिलता है 30.0.1 का। एंड इसके अंदर आप लोगों को थोड़े बहुत जो नए फीचर्स हैं वो इस अपडेट के अंदर ऐड हुए हैं। वेल, अब बात की जाए कि OnePlus का क्लॉक विजेट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, तो मैं सबसे पहले इसको यहां से रिमूव कर देता हूं और अपनी स्क्रीन को पिंच करते हैं। विजेट के सेक्शन में चलोगे तो फाइनली आप लोगों को सेकंड नंबर के ऊपर इस क्लॉक एप्लीकेशन के अंदर जो OnePlus का क्लॉक विजेट है वो भी आपको वर्किंग देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, अगली सिस्टम एप्लीकेशन की अपडेट की बात करें तो वो रहा सॉफ्टवेयर अपडेट एप्लीकेशन। सिंपली आप लोगों ने इसको अपडेट करना है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये भी आपकी डिवाइस में अपडेट हो जाएगी। सिंपली आप लोगों ने डन करना है। अब चेंजेस की बात करें तो चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। अबाउट फोन पहले आप लोग चेकआउट कर लें, आपको रियलमी X1 मैक्स देखने को मिलता है और इसके अंदर रियलमी UI 3.0 रन कर रहा है। अब इसके जैसे ओपन करोगे आप लोग देखिए, आप लोगों को यहाँ पर जो ColorOS 12 है वो अब शो करेगा सॉफ्टवेयर अपडेट एप्लीकेशन को अपडेट करने के बाद। वेल, ये बग है, बग की वजह से आपको यहाँ पर ColorOS 12 देखने को मिलता है। और अगर आप लोग ऑफिशियल वर्जन देखें तो आपको ColorOS 12 भी देखने को मिलेगा एंड मॉडल नंबर और वर्जन भी आप चेकआउट कर सकते हो, लेकिन ये बग है तभी आपको यहाँ पर ColorOS 12 शो कर रहा है। बाकी वैसे रियलमी UI 3.0 ही रियलमी X1 मैक्स के अंदर रन करता है। वेल, अब दोस्तों बात की जाए अगले सिस्टम एप्लीकेशन के अपडेट के बारे में तो वो आपको देखने को मिलती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो, अपडेट के ऊपर क्लिक करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड ये आपके डिवाइस के अंदर अपडेट हो जाएगी। डन के ऊपर क्लिक करो। अब देखते हैं कि यूजर इंटरफेस में कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ, तो सिंपली चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, सिस्टम सेटिंग्स में, और आप लोगों को यहाँ पर जो अलग से टैब है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का देखने को मिल जाएगा, पर इंटरफेस आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। या देखते हैं कि फ्रेम रेट के सेक्शन में 60 FPS सपोर्ट करता है, तो अभी भी आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है 60 FPS सपोर्ट नहीं करता। अब दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करके देखते हैं कि UI के अंदर कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ। तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पैनल के अंदर ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो सेक्शन है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे क्लिक करोगे आप लोगों को इसका जो नया इंटरफेस है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम वो देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर माइक का अलग से ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड साथ में जो आप लोगों का स्पीकर है उसका अलग से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके रियलमी, ओप्पो एंड OnePlus ने इसको न्यू इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड किया है। अब दोस्तों अगली सिस्टम एप्लीकेशन के अपडेट की बात करें तो वो आपको देखने को मिलती है सिंपल मोड, स्क्रीनशॉट एंड पर्सनलाइजेशन की। तो सबसे पहले सिंपल मोड को अपडेट करते हैं और थोड़ा सा टाइम लेगा ये भी अपडेट हो जाएगा।
सिंपली डन के ऊपर क्लिक करो। अब स्क्रीनशॉट को अपडेट करते हैं, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड ये अपडेट हो जाएगा। एंड अगला सेक्शन देखने को मिलता है पर्सनलाइजेशन का, जो कि रियलमी यूआई 3.0 या रियलमी यूआई 2.0 में भी आपको देखने को मिलता था। सिंपली तीनों एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी हैं, तो सबसे पहले चलते हैं सिंपल मोड के अंदर। सिंपली चलते हैं सेटिंग्स के अंदर एंड स्पेशल फीचर्स के सेक्शन में आप लोगों को सबसे लास्ट में जो सिंपल मोड है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आप लोगों को इसका जो नया इंटरफेस है वो देखने को मिल जाता है, और जैसे आप लोग इसके अंदर एंटर करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लोडिंग होगी एंड आप लोगों को आपकी जो स्क्रीन के साइज है, आइकन्स हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मल मोड जो है उससे थोड़ा सा आपको जो अलग से सिंपल मोड है वो देखने को मिलता है। आप लोग सिंपली एग्जिट के ऊपर क्लिक करके सिंपल मोड से बाहर आ सकते हो। अगले फीचर की बात करें तो वो आपको देखने को मिलते हैं स्क्रीनशॉट सेक्शन के अंदर। तो आपने चलना है सिस्टम सेटिंग्स के अंदर और आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट का अलग से सेक्शन देखने को मिल जाएगा। इंटरफेस आपको इसका बिल्कुल सेम देखने को मिलता है, लेकिन आप लोगों को प्रीव्यू विंडो लोकेशन का जो फीचर्स थे इनको थोड़ा सा रियलमी ने, ओप्पो ने ऑप्टिमाइज़ किया है एंड साथ में ट्यूटोरियल का फीचर भी देखने को मिल जाएगा, कैसे आप लोग स्क्रीनशॉट 3 फिंगर से कैप्चर कर सकते हो। एंड आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन से स्क्रीनशॉट चाहिए, ये फीचर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप लोगों को इसका जो इंटरफेस है बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा एंड साथ में इसकी अलग से प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो आपको देखने को मिल जाती हैं। अब दोस्तों बात की जाए पर्सनलाइजेशन सेक्शन के बारे में, जो कि आप लोगों को सेटिंग्स के अंदर सबसे ऊपर देखने को मिलता है। वेल आप लोगों को नया यूआई पर्सनलाइजेशन सेक्शन का देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऊपर चाइनीज लैंग्वेज में शेयर कर रहा है, तो अभी तक ये सिर्फ चाइना के लिए पोर्ट किया गया है। इंडिया में सिर्फ उन डिवाइसेज में से एक्सट्रैक्ट करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जा रहा है। आप लोगों को सबसे नीचे एज लाइटिंग, वीडियो रिंग टोन, फिंगरप्रिंट एनिमेशन, क्विक सेटिंग के फीचर देखने को मिल जाएंगे। बस इनका कलर्स एंड थोड़े से जो शेप्स हैं वो रियलमी ओप्पो वीवो ने चेंज किए हैं एंड फोन का जो सेक्शन है वो आपको ऊपर शिफ्ट कर दिया है। बाकी कुछ भी नया चेंजेस आप लोगों को पर्सनलाइजेशन सेक्शन के अंदर देखने को नहीं मिलता। अब दोस्तों बात की जाए अगली सिस्टम एप्लीकेशन के अपडेट्स के बारे में, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलती है वॉलपेपर सेक्शन। सिंपली आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, अपडेट के ऊपर क्लिक करो, थोड़े से टाइम में ये भी आपके डिवाइस में अपडेट हो जाएगा। एंड सेकेंड देखने को मिलती है ओमोजी, जो कि रियलमी यूआई 3.0 का मेन हाईलाइटेड फीचर्स है एंड कलर ओएस 13 का। वेल दोनों एप्लीकेशन जो सिस्टम एप्लीकेशन थी इनको अपडेट कर लिया है एंड अब चलते हैं वॉलपेपर सेक्शन के अंदर, देखते हैं कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए। तो फाइनली आप लोगों को जो लाइव वॉलपेपर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों को पहले सिर्फ 13 लाइव वॉलपेपर देखने को मिलते थे, लेकिन अब आप लोगों को 26 जो नए लाइव वॉलपेपर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। आप लोग सिंपल तरीके से इनको यूज़ कर सकते हो। वेल अब चलते हैं ओमोजी के सेक्शन में और वो देखने को मिलेगा आपको पर्सनलाइजेशन सेक्शन के अंदर। आपने जाना है AOD सेक्शन के अंदर, फाइनली आप लोगों को यहाँ पर जो ओमोजी का फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। वेल कोई भी चेंजेस आपको ओमोजी सेक्शन के अंदर देखने को नहीं मिलते, जो पहले आपको कैरेक्टर देखने को मिलते थे 3 वही कैरेक्टर आपको अभी भी देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों ये तो बात हो गई मेन सिस्टम एप्लीकेशन के अपडेट्स के बारे में, जिनमें आपको नए नए फीचर्स देखने को मिले थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। वेल आपको काफी सारी रियलमी यूआई 4.0, कलर ओएस 13 एंड ऑक्सीजन ओएस 13 की सिस्टम एप्लीकेशन के अपडेट्स देखने को मिले हैं, लेकिन मैंने आपके साथ जो मेन एप्लीकेशन थी वही शेयर की है। बाकी अगर आप लोगों को बाकी सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रियलमी सिस्टम एप्स अपडेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जो कि आपको रियलमी ओप्पो वन प्लस की ऑफिशियल सिस्टम एप्लीकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाता है। और मैंने यहां पर रियलमी यूआई 4.0, कलर ओएस 13 एंड रियलमी यूआई 4.0 की जितनी भी नई सिस्टम एप्लीकेशन है वो शेयर कर दी है। आप लोग सिंपल तरीके से वहां से जाकर के इनको इंस्टॉल करके अपने डिवाइस के अंदर यूज कर सकते हो। सो फाइनली दोस्तों इतना इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।